फिरोजाबाद शहर के मेडिकल कॉलेज परिसर में एक भर्ती मरीज से ऑपरेशन के नाम पर रुपए मांगने का मामला चर्चा में आया है, जिसको लेकर मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल ने भी अपनी सफाई दी है। पूरे मामले की बात करें तो संतोष नगर गली नंबर 1 निवासी राकेश गुप्ता 12 दिसंबर 2021 को सड़क हादसे में घायल हुए थे, जिनको मेडिकल कॉलेज परिसर स्थित जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी बेटी संध्या गुप्ता के मुताबिक जांच के बाद ऑपरेशन करवाने को बताया गया। वही आरोप है यहां के स्टाफ नर्स अजय ने बाहर का सामान लिखा और लाने को कहा, वह सामान 70,000 रुपए का आया। इसके बाद भी ऑपरेशन नहीं हुआ। जब ऑपरेशन को लेकर पूछा गया तो कहा गया, डॉक्टर विपुल अग्रवाल ने कहा सामान कम है और सामान लेकर आओ, फिर स्टाफ नर्स अजय ने कहा सामान वापस करके आओ। सामान वापस करके आए तो आरोप है स्टाफ अजय ने 12,000 रुपए की मांग की और कहा कि रुपए दे दो, ऑपरेशन अभी हो जाएगा। बोला नहीं तो अपने मरीज को आगरा ले जाओ। इस तरह भर्ती मरीज की परेशानियां और बढ़ा दी। इसको लेकर मरीज की बेटी ने प्रिंसिपल संगीता अनेजा से शिकायत करने की बात कही है। वही स्टाफ अजय का कहना था, डॉक्टर विपुल अग्रवाल के बताने पर उसने मरीज को बताया था। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल को जब अवगत कराया तो उनका कहना था, इस मामले को लेकर एक जांच कमेटी बैठाई है, जिसमें CMS डॉक्टर श्याम मोहन गुप्ता व 2 अन्य सदस्य शामिल रहेंगे, बाकी खुद भी पूरी जांच पर नजर रखेंगे। आखिरी गलती किसकी है? फिलहाल यह तो एक मामला मीडिया के प्रकाश में आ गया, बाकी चर्चा रही। ना जाने ऐसे कितने मरीज यहाँ ऐसे ही परेशान होकर मायूस होकर मजबूरन कहीं और इलाज को जाते होंगे। साइकिल से जिसमें टांग की 3 जगह से हड्डी टूट चुकी है और हमारे को यहाँ आज कम से कम 18 दिन हो गए, ठीक है। डॉक्टर कह रहे हैं सामान लाओ, सामान लेके आए, कभी कम है कभी ये कम है, भगाए जा रहे हैं भगाए जा रहे हैं। 18 दिन से कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ठीक है। और जब हम सामान ले आए तो हमसे वापस करवा दिया कि ऑपरेशन सामान मेरा करीब करीब 70,000 रुपये का सामान कर्जे पे लेकर आई मैं, ठीक है। सामान लाने के बाद में इन्होंने वापस करा दिया, जिस इसका कंपाउंडर अजय उन्होंने वापस करवा दिया। अब कहते हैं ऑपरेशन हम करेंगे और हमने सोचा ऐसे ही कर देंगे, पर ये बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं 12,000 रुपये दो पहले फिर ऑपरेशन होगा, ठीक है। अब आप ये बताइए, मांग रहे हम गरीब आदमी, वो भी कर्जे सामान लेके आए हैं, अब हम कहाँ से लाएँ और पैसे। और हमने कहा ये तो कह रहे हैं हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ये तो चलता रहता है यहाँ पर। ये बात किसने कहा? ये अजय ने बोली है उनसे, जिन्होंने पैसे मांगे ऑपरेशन के लिए। आपने रिकॉर्डिंग वगैरह भी की थी? उन्होंने ऐसा था, अभी मैंने उससे बात हुई थी, मैंने कि ऐसा है मेरे पे पैसे नहीं हो पा रहे हैं, मैं कर्जे से 10,000 रुपये कर पाई हूँ मांग मूंग के, तो कह 12,000 रुपये मेरे से नहीं हो पा रहे हैं, तो कह रहे हैं आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो। मैंने नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो उन्होंने फ़ोन छीना और जितनी रिकॉर्डिंग थी ऑलरेडी उड़ा दी उन्होंने। आपने रिकॉर्डिंग की थी उनकी? हाँ की थी मैंने। अब आपके पास कौन सी रिकॉर्डिंग बची? अब वो रिकॉर्डिंग बची है सर जो मतलब उन्होंने सामान की रिकॉर्डिंग थी, जो आप वापस करके आ जाओ हम ऑपरेशन कल करेंगे, पहला नंबर उन्हीं का था। 12,000 रुपये? हाँ जी। अब क्या कह रहे हैं? अब तो वो यही कह रहे हैं पहले ऑपरेशन से आप जमा कराइए पैसे, तब अब ये कह रहे हैं मैं नहीं कुछ कर सकता, आप डॉक्टर से बात करो जो लेना देना है, कह रहा मैं हट जा रहा हूँ बीच से, मेरा कोई रीज़न नहीं है। अच्छा कौन डॉक्टर साहब ऑपरेशन करते हैं, पता नाम पता उनका? विपुल डॉक्टर। हाँ जी जी। मैम अभी एक मामला आया है इसका, जो ऑपरेशन के नाम पर पैसे की बात की गई है, लोगों ने आरोप जो लगाया है, मैम इसमें क्या किस प्रकार से जांच की जाएगी और आगे भी देखा गया है कि ऐसे ही कई लोग पड़े हुए हैं, इनका ढंग से इलाज नहीं हो पा रहा? देखिए ये मेरे संज्ञान में अभी आपने डाला है, तो इसके लिए एक हमने इंक्वायरी कमेटी बना दी है और इसमें CMS और अन्य 2 सदस्य होंगे और इसमें किसकी गलती है ये देखी जाएगी, और गलती किसी की भी हो लेकिन मरीजों का इलाज करना हमारा कर्तव्य है, और इसमें अगर देरी हो रही है इसकी जांच मैं स्वयं भी करूंगी और सख्त निर्देश इस मामले में रहेंगे कि मरीजों को ऑपरेशन करने में लेट ना हो और मरीजों का कोई भी ऐसा पैसा खर्च ना हो जो उनको नहीं करना चाहिए। सरकार काफ़ी चीज़ें फ्री में दे रही है, अगर इम्प्लांट वगैरह भी होते हैं तो वो भी हम काफ़ी कंसेशनल रेट में उनको दिलवाएंगे, ताकि मरीजों को हमारे अस्पताल में कभी भी कोई असुविधा ना हो। थैंक यू।